हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाने वाले बटाटा वड़ा। वैसे तो बटाटा वड़ा आप लोगों को सबको आता ही होगा बनाने के लिए, लेकिन ये जो बटाटे वड़े की रेसिपी है ये कुछ अलग है। तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेसन ली हूँ। ये बेसन में मैंने नमक और हल्दी ऑलरेडी ऐड कर दी थी पहले ही, क्योंकि एक्चुअली वीडियो बनाने का कुछ था नहीं, फिर अचानक वीडियो बनाई तो नमक और हल्दी मैंने बेसन में ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे एक अच्छा वाला बैटर बनाएंगे। बैटर बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। और ये चार आलू है मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉयल करके छील के रखी थी, तो इसे भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ आलू हमने मैश कर ली, उसके बाद हम एक तड़का बनाएंगे इस आलू के ऊपर डालने के लिए। तो यहाँ पर आधा चम्मच राई, आधा चम्मच ज़ीरा। राई और ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते और 3 से 4 हरी मिर्च। बस इस ये अच्छे से हमारी खुशबू निकल जाए मसालों की। तो ये तड़का हम उस पर लगा देंगे, आलू के ऊपर डाल देंगे। हमें इसमें आलू को कुछ पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस ऊपर से ही हम तड़का डालेंगे। ये नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ली हूँ। और आधा नींबू का रस, ये गीला नारियल है, इसे ग्रेट करके मैंने डाली हूँ। ये तकरीबन 2-3 चम्मच हो गए। और ये बारीक कटा हुआ धनिया, बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम सारे आलू के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे एक वड़े के शेप में बना लेंगे। तो साइज़ आप पर डिपेंड होती है, छोटे बड़े। वैसे ये छोटे ही बनते हैं, तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स ही बनाई हूँ। अब हम इसे जो हमारा बेसन का बैटर है उसमें डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा बड़े फ्राई होने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। हमें अच्छे से ऐसे अल्टी पल्टी करके फ्राई करना है। तो इसी तरह हम सारे बड़े फ्राई कर लेंगे। तो हमारे बड़े अब रेडी हो चुके हैं, हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने नारियल की चटनी और टमाटो केचप के साथ इसे सर्व करी हूँ। आप चाहो तो हरी चटनी जो धनिए पुदीने वाली होती है उसके साथ भी इसे खा सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।